सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन है, इफ द कोफिशियंट ऑफ 14th, 15th एंड 16th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^2n आर इन AP, देन फाइंड n। यानी कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि कोफिशियंट ऑफ 14th, 15th एंड 16th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, यानी 1+x^n जो है, अगर इसके 14th, 15th और 16th टर्म को निकालते हैं तो वो AP में आ रहा है। तो उस कंडीशन को अप्लाई करके आपको n का वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग वेज है सॉल्व करने के, तो उन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो एक्सपेंशन गिवेन है उसको नोट कर लेंगे। तो गिवेन एक्सपेंशन हमको क्या गिवेन है, 1+x^n हमारा क्या हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। 1+x^n हमारा हो गया एक्सपेंशन। अब अगर बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म की, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने होते हैं, जितना एक्सपोनेंट रहता है उससे एक ज़्यादा। तो इसका एक्सपोनेंट n है, तो इससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, n+1। यानी n+1 टर्म्स इसमें होंगे। अब इसमें कंडीशन क्या बोला है कि अगर हम 14th, 15th और 16th टर्म को निकालते हैं तो वो AP में है। वो किस में आ रहे हैं, AP में। अब अगर आप जैसे समझे कि ये 14th टर्म है, फिर ये 15th टर्म है और फिर ये 16th टर्म है, तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये किस में आ रहा है, AP में आ रहा है। यानी AP की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। यानी 14th, 15th और 16th जो है वो AP में है। अब इस कंडीशन का यूज करके ही हमको क्या निकालना है, n का वैल्यू। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमें इसमें पता करना होगा कि हमें इसमें करना क्या है, या प्रॉपर भी में इसमें सॉल्यूशन में हम जब इस क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना है तो हमें कौन सा की पॉइंट्स यूज करना होगा, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब हमें करना क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें बोला इफ द कोफिशियंट, यानी कोफिशियंट की बात किया है, कोफिशियंट ऑफ 14th, 15th एंड 16th टर्म। तो अगर आप कोफिशियंट की बात करें, जैसे हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 14th, 15th और 16th टर्म का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ 14th टर्म, तो 14th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं कि कोई टर्म आपको निकालना होता है, मान लेते हैं कि आपको tr+18 टर्म निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, nc और r+1 से एक कम लिखते हैं। तो r+1 से एक कम कितना होगा, r, और मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है तो a लिखते हैं, और फिर n-r और यहाँ पे b लिखते हैं और उसका पावर r, ये टर्म लिखने का स्टाइल है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कोएफिशिएंट की बात किया गया है, तो कोफिशियंट ये वाला टर्म होता है, ncr जो टर्म दिख रहा है यही हमारा कोफिशियंट होता है। यानी 14th टर्म का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो n है वो तो n ही है, तो ये हो जाएगा nc। अब यहाँ पे लिखते हैं r, जैसे यहाँ पे r है तो r+1 से एक कम कितना लिखना है, यहाँ पे एक कम लिखना है, तो 14th से एक कम कितना होगा, 13th। यानी कोफिशियंट ऑफ 14th टर्म जो हमारा होगा nc 13 होगा, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म। तो 15th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सेम एज इट इज लिखेंगे nc और 15 से एक कम कितना होगा मेरा, 15 से एक कम हो जाएगा मेरा 14, तो nc 14 हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म। फिर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 16th टर्म, तो वो क्या हो जाएगा मेरा nc, अब 16 से कम कितना हो जाएगा, 15। तो हमने इन तीनों का कोएफिशिएंट लिख लिया। अब हमें ये जो AP का कंडीशन दे रखा है, उस AP के कंडीशन का यूज करके और इसमें हमको क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप जनरली समझे, तो मान लेते हैं मेरे पास AP में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास A1 है, A2 है और A3 है, ये तीनों अगर मान लेते हैं AP में है,
तो बोला जाता है कि इसका सार अंतर यानी इसके बीच का डिफरेंस हर एक कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस अब कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन से निकाल सकते हैं, या डी इक्वल टू दूसरा तरीका यह है कि ए थ्री माइनस ए टू से निकाल सकते हैं, यानी एक आगे वाला में से उसके पीछे वाला माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, यहाँ पे डी मिल जाता है। और ये जो डी आएगा और ये जो डी आएगा ए पी जब है तो वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यही कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कौन कौन से टर्म है, 14th, 15th और 16th। मान लेते हैं मेरे पास ए 14 है, या हमको दे ही रखा है ए 15 है और ए 16 है। बोला है कि ये तीनों ए पी में है, तो अगर ए पी में है तो मान लेते हैं हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा एक डिफरेंस निकल जाएगा। और दूसरा डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, 16 वाले में से 15 वाला माइनस करेंगे, तो ए 16 माइनस ए 15 भी हमारा क्या देगा, डिफरेंस देगा। और ये दोनों डिफरेंस सेम होंगे, अगर ए पी के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों डिफरेंस मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि ए 15 माइनस ए 14, ए 15 ये वाला जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ए 16 माइनस ए 15 के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों डी इक्वल होंगे तो दोनों इसका राइट पार्ट भी इक्वल होगा। तो इसलिए ए 14 ए 15 माइनस ए 14 इक्वल टू ए 16 माइनस ए 15। अब इस कंडीशन का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है प्रॉपर वे में। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और ये जो हम कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या है, ए 15 माइनस ए 14 किसके इक्वल होगा, ए 16 माइनस ए 15 के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इस ए पी के कंडीशन से। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 14 टर्म है इसको ए 14 लिख सकते हैं, 15 टर्म को ए 15 लिख सकते हैं, 16 टर्म को ए 16 लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि 14 टर्म की जगह पे ये रखेंगे, 15 टर्म की जगह पे ये रखेंगे और 16 टर्म की जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 15 टर्म का वैल्यू क्या है मेरे पास, एम सी, और 15 से कम 14, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 14 टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन सी 13, 14 से कम 13 हो जाएगा। इधर 16 टर्म जो हमारा क्या हो जाएगा, एन सी 16, तो 16 है तो उससे कम कितना होगा मेरा, 15 माइनस ए 15 यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं एन सी 14 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा n फैक्टोरियल जो मेरा होता है, या एन सी आर जो होता है, एन सी आर उसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो है फैक्टोरियल का ही सिंबल है। तो अब इसको ऐसे असेंबल करेंगे, तो यहाँ पे एन सी 14 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, तो एन माइनस 14, एन माइनस 14 फैक्टोरियल इंटू, फिर यहाँ पे क्या है 14, यानी आर का फैक्टोरियल लिखना है यानी 14 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पे एन सी 13 है तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस 13 फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 30 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी 15 है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एन माइनस 15 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे 15 है तो ये 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एन सी 14 है तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 14 इंटू, ये 14 है तो फैक्टोरियल ऑफ 14। अब आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। या मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन निकालना है तो उसको लिखते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल करके ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज इसका अप्लाई करने वाले हैं इन सारे चीज में। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कॉमन क्या बनने वाला है, क्योंकि
जब बड़ा टाइप का इक्वेशन ये दिख रहा है तो इसमें हमको क्या करना होगा, एन का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कॉमन बनाना होगा। तो हम कॉमन किसका बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं इधर यहाँ पे भी एन है, इसमें भी एन है, यहाँ पे भी एन है और इसमें भी एन है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल एन का हम कॉमन लेंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ एन का जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा वन बाई, यहाँ बचेगा वन बाई एन माइनस फोर्टीन, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फोर्टीन इंटू ये फैक्टोरियल में फोर्टीन माइनस, यहाँ से भी इन फैक्टोरियल जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा वन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस थर्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन का कॉमन ले रहे हैं तो फैक्टोरियल ऑफ एन, और यहाँ पे बच जाएगा वन बाई यहाँ पे बच जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ फिफ्टीन माइनस माइनस, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन ही कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फोर्टीन माइनस फैक्टोरियल ऑफ इंटू फैक्टोरियल ऑफ फोर्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ फोर्टीन। अब हमने कॉमन लिया जैसे ही तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और कॉमन बनाने के लिए। तो जैसे देखिए सबसे छोटा ही कॉमन हम लोग बनाते हैं, या सबसे छोटा जो इसमें सब में मैच कर जाए ऐसा हम कॉमन बनाते हैं जो सब में अवेलेबल हो। जैसे अगर आप देखें कि n माइनस थर्टीन इसमें है और n माइनस फोर्टीन इसमें है, फिर यहाँ पे n माइनस फिफ्टीन है और n माइनस फोर्टीन है, तो अब हम सोचेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो इसमें है n माइनस फिफ्टीन है। अब आप सोचेंगे कि n माइनस फिफ्टीन कैसे छोटा है, तो देखिए यहाँ पे n में से 15 को माइनस किया जा रहा है तो इसका वैल्यू जो भी आएगा n में से 14 माइनस किया जाए या n में से 13 माइनस किया जाए उससे छोटा ही होगा। तो इसलिए इसमें सबसे छोटा क्या है, n माइनस 15। तो हम सबको ऐसा सेट करेंगे कि सब में n माइनस 15 का कंसेप्ट आ जाए, तो एक कॉमन तो वो बन जाएगा। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है ये वाला, इसमें से तो हमको क्या कॉमन ले लेना है, n माइनस 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बचाइए 14, 13, 15 और 14, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से मिनिमम का हम क्या कॉमन बना सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन बनेगा वो क्या बन सकता है मेरा, 13 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा मेरा, 13 फैक्टोरियल, क्योंकि 14 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 लिख सकते हैं। 15 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है तो इसको भी 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 13 फैक्टोरियल का कॉमन बनाएंगे और इसमें से n माइनस 15 फैक्टोरियल का कॉमन बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अब ये मेरा बच गया है वन बाई, इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास बच गया है वन बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14 माइनस वन बाई फैक्टोरियल ऑफ वन माइन n माइनस 13 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 इक्वल टू, इधर बचा है मेरे पास वन बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 15 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 15 माइनस वन बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो वन बाई मेरे पास क्या है, वन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 15 है तो इसको एन माइनस 14 है तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस 14, फिर उससे एक कम करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 14 में से एक कम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एन माइनस 15 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एन माइनस 15 का कॉमन हमें सब में बनाना है तो इसलिए हम एन माइनस 15 यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 14, तो फैक्टोरियल ऑफ 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 13 क्यों बना रहे हैं, कि सब में फैक्टोरियल ऑफ 13 हमको कॉमन लेना है। माइनस वन बाई,
ये एन माइनस थर्टीन है तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस थर्टीन इंटू एन माइनस फोर्टीन, एक एक कम करते जा रहा है तो फिर बच जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन। तो एन माइनस फिफ्टीन तक आपको पहुंचना है, और यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन है तो थर्टीन तो एज इट इज है, तो फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू में। अब इधर देखेंगे तो इधर में मेरे पास क्या है, वन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन, तो एन माइनस फिफ्टीन तो मिल गया तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इंटू फैक्टोरियल ऑफ फिफ्टीन को हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन माइनस यहाँ पे देखिए वन बाई, अब यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बनेगा, एन माइनस फोर्टीन है तो एन माइनस फोर्टीन लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा इंटू इंटू में ये फोर्टीन फैक्टोरियल है तो फोर्टीन इंटू थर्टीन फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास सब में एन माइनस फिफ्टीन और फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन, फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन, फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, और यहाँ पे एन माइनस फिफ्टीन, फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, यानी इन सारा ये सारा इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन हम लोग बाहर ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, ये जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा वन बाई एन माइनस फोर्टीन इंटू क्या बच गया यहाँ पे केवल फोर्टीन, माइनस वन बाई यहाँ पे क्या बच जाएगा एन माइनस थर्टीन इंटू एन माइनस फोर्टीन, और ये दोनों टर्म तो कॉमन हो जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा वन बाई ये जब कॉमन हो जाएगा तो फिफ्टीन इंटू फोर्टीन, तो फिफ्टीन इंटू फोर्टीन माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा वन बाई एन माइनस फोर्टीन, एन माइनस फोर्टीन इंटू इंटू यहाँ पे फोर्टीन बच जाएगा इंटू फोर्टीन, और हम यहाँ पे कॉमन किसका लिए हैं, एक मिनट, यहाँ पे कॉमन जो टर्म था उसको लिखा नहीं हमने, इस कॉमन वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमन यहाँ से हम क्या ले रहे हैं वन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फिफ्टीन इंटू फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन, ये हो जाएगा वन बाई, तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये वाला कॉमन, और इसमें भी ये और ये कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया फिफ्टीन इंटू फोर्टीन माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा वन बाई एन माइनस फोर्टीन इंटू क्या बच गया केवल फोर्टीन। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ क्या है, हमारा कॉमन सेम है तो इसको और इसको हम क्या करेंगे कैंसल आउट कर देंगे। तो अब देखेंगे आप तो ये छोटा सा एक टर्म, मेरे छोटा सा क्या मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म मिल गया जो फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल है, तो ये क्या बन गया मेरे पास वन बाई एन माइनस फोर्टीन इंटू फोर्टीन माइनस वन बाई एन माइनस थर्टीन इंटू एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू वन बाई फिफ्टीन इंटू फोर्टीन माइनस वन बाई एन माइनस फोर्टीन इंटू फोर्टीन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखेंगे कि आगे हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर आप देखें इसमें तो जैसे हमने यहाँ पर जनरली इसको कॉमन बनाया था ताकि दोनों कैंसल आउट हो जाए, अब आप देखेंगे कि इस वाले टर्म में ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसमें इन दोनों में एन माइनस फोर्टीन है, तो एन माइनस फोर्टीन का इसमें से कॉमन बना लेते हैं वन बाई एन माइनस फोर्टीन, और बच क्या जाएगा यहाँ पे एन माइनस फोर्टीन का जब कॉमन बना लेंगे, इन दोनों का जब हम कॉमन ले लिए तो ऊपर बचा वन और नीचे इसमें बच गया फोर्टीन, माइनस इसमें ऊपर बचा वन और नीचे इसमें क्या बच गया एन माइनस थर्टीन। फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि इसमें भी फोर्टीन है और इसमें भी फोर्टीन है, तो वन बाई फोर्टीन का इसमें से भी कॉमन बना लेते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा मेरे पास वन बाई फिफ्टीन माइनस यहाँ पे वन बाई एन माइनस फोर्टीन। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, तो इस वाले टर्म को नेक्स्ट पेज में हम नोट कर लेते हैं, वन बाई एन माइनस फोर्टीन का हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया मेरे पास वन बाई फोर्टीन माइनस वन बाई एन माइनस थर्टीन माइनस वन बाई एन माइनस थर्टीन, और इधर से हमने कॉमन लिया था वन बाई फोर्टीन का तो बच गया था वन बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई ये एन माइनस फोर्टीन एन बाई
एन माइनस वन बाई एन माइनस फोर्टीन। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम करेंगे बीच में। तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वन बाई एन माइनस फोर्टीन ऐसे ही, और जब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, फोर्टीन इंटू एन माइनस थर्टीन। अब एन माइनस थर्टीन वन से मल्टीप्लाई होगा तो एन माइनस थर्टीन, वन इंटू माइनस माइनस वन इंटू फोर्टीन माइनस फोर्टीन हो जाएगा, ये इक्वल टू ये वन बाई फोर्टीन इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे हम, फिफ्टीन इंटू एन माइनस फोर्टीन, फिफ्टीन इंटू एन माइनस फोर्टीन, तो इधर हो जाएगा एन माइनस फिफ्टीन एन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, ये ऐसा टर्म आया। तो अभी आप देखेंगे इसमें, तो इसमें कुछ टर्म जो है कैंसल आउट होने वाला दिख रहा है, तो एन माइनस फोर्टीन और एन माइनस फोर्टीन कैंसल आउट हो जाएगा, और इस फोर्टीन से ये फोर्टीन भी कैंसल आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे पास क्या बच गया ऊपर में, एन माइनस थर्टीन और फोर्टीन, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन नीचे में एन माइनस थर्टीन, और इधर एन माइनस फोर्टीन और फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन अपॉन क्या हो गया मेरे पास, फिफ्टीन। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिफ्टीन इंटू कितना हो जाएगा मेरा, फिफ्टीन इंटू एन माइनस ट्वेंटी सेवन, फिफ्टीन इंटू एन माइनस ट्वेंटी सेवन, और इधर हो जाएगा एन माइनस थर्टीन इंटू एन माइनस ट्वेंटी नाइन, एन माइनस थर्टीन इंटू एन माइनस ट्वेंटी नाइन। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिफ्टीन में एन से मल्टीप्लाई होगा फिफ्टीन एन, माइनस ट्वेंटी सेवन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टीन से, तो ये मेरा हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू फिफ्टीन, ट्वेंटी सेवन इंटू ये फिफ्टीन हो जाएगा फोर हंड्रेड फाइव इक्वल टू, एन में एन से मल्टीप्लाई हुआ एन हो जाए, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन से माइनस ट्वेंटी नाइन में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ट्वेंटी नाइन एन, फिर माइनस थर्टीन से एन में मल्टीप्लाई हुआ माइनस थर्टीन एन, माइनस थर्टीन से माइनस ट्वेंटी नाइन में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और थर्टीन से ट्वेंटी नाइन में मल्टीप्लाई होगा अगर तो ये बन जाएगा थ्री सेवेंटी सेवन। अब हम क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर वाला टर्म है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इस वाला जो टर्म है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी नाइन, अच्छा ये जो है माइनस ट्वेंटी नाइन एन और माइनस थर्टीन एन, ये कितना हो जाएगा मेरा ट्वेंटी नाइन और माइनस थर्टीन, तो मेरा ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी टू एन, और ये प्लस का कितना है थ्री सेवेंटी सेवन। अब ये वाला जो टर्म है फिफ्टीन एन, फिफ्टीन एन उधर जाएगा तो माइनस का फिफ्टीन एन हो जाएगा, माइनस फोर हंड्रेड फाइव उधर जाएगा तो प्लस का फोर हंड्रेड फाइव हो जाएगा, इक्वल टू मेरा क्या हो गया जीरो। अब ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस फोर्टी टू और माइनस फिफ्टीन, माइनस फोर्टी टू और माइनस फिफ्टीन, ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस फिफ्टी सेवन, और यहाँ पे प्लस थ्री सेवेंटी सेवन और फोर जीरो फाइव, थ्री सेवेंटी सेवन प्लस फोर जीरो फाइव मेरा हो जाएगा सेवन एटी टू इक्वल टू जीरो। ये मेरा पास एन में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बना, और अगर हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज में इसको लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी सेवन एन रहेगा यहाँ पे, एक मिनट इसको एन लिखेंगे, फिफ्टी सेवन एन। तो अब ये हो गया मेरे पास एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी सेवन एन प्लस फोर सेवन प्लस सेवन एटी टू, प्लस सेवन एटी टू इक्वल टू जीरो, ये कितना था मेरा एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी सेवन एन प्लस सेवन एटी टू। तो अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी ब्रेक डाउन करना है अलग दो अलग पार्ट में, ताकि ये सॉल्व हो जाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है सेवन एटी टू, इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो दो से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा थ्री नाइन्टी वन, और फिर किस से कर लेते हैं, सेवन से कर लेते हैं, तो सेवन से हो जाएगा फाइव, सेवन से ये नहीं, सेवन से नहीं हो पाएगा, इसको करना होगा सेवनटीन से। तो अगर थ्री नाइन्टी ये जो है सेवनटीन दो बार में, और बच जाएगा मेरे पास फाइव थ्री बार में, तो कितना आ रहा है टू इंटू सेवनटीन इंटू ट्वेंटी थ्री आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन। अब हमको 57 लाना है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे 2 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
34 हो जाएगा इंटू ये 23। इसको ऐड करके देखते हैं क्या दोनों वैल्यू सेम मतलब ये 57 आ जा रहा है। तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और 2 में 5 ऐड करेंगे तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, यानी 57 आ रहा है। यानी 34 और 23 में इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 57 है तो माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 34n माइनस 23n, और 34 23 को फिर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 34 और माइनस 23 तो ये प्लस का 78 मेरा आ जाएगा 782 आ जाएगा। प्लस का ये 782 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा n यहाँ से कॉमन करेंगे तो n माइनस 34 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग 23 का कॉमन ले लेते हैं तो 23 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 34 इक्वल टू 0। अब दोनों में n माइनस 34 है तो n माइनस 34 का हम लोग क्या करते हैं कॉमन बना लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे n माइनस 23 इक्वल टू 0। तो अब दोनों टर्म को जीरो करेंगे तो n माइनस 34 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 23 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 34 उधर जाएगा तो प्लस का 34 और n माइनस 23 उधर जाएगा तो प्लस का 23। तो n का एक वैल्यू आ रहा है 23 और दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है 34 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास n का दो वैल्यू आया, एक n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 23 और दूसरा n का वैल्यू 34 आ गया। तो इसके आने का मतलब ये हुआ कि अगर हम n की जगह पे 23 या 34 रख दे तो उसमें जो 14th टर्म होगा 15th टर्म होगा और 16th टर्म अगर हम उसका कोफिशियंट निकालेंगे तो वो एक एपी के सीरीज में आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।